चाहूंगा श्री सेरिंग दोर्जे जी को, जो कि निदेशक हैं स्पीति बाल गृह विद्यालय मुंसिलिंग के, कि आप मंच पर आए और हमारे आज के विशेष महोदय के कदमों द्वारा सम्मान इनके साथ साथ मेरा निवेदन रहेगा श्री संजीव जाखू जी से, आप भी मंच पर आए और संगठन की ओर से आपके दायित्व के प्रति समर्पित भाव से चंद सम्मान। धन्यवाद माननीय महोदय। इसके पश्चात समय को अधिक जाया न करता हुआ मेरा विनम्र निवेदन रहेगा हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय से कि आप मंच पर आए और नहीं आ सके apologetic for this, that he could not join you all because of so many visitors coming here and that he didn't have time to join you. He was really feeling bad. So, unki aur se kshama yachna. Aaj ke is bahut hi acche rangarang karyakram mein hamare beech vidyaman Shri Ravi Thakur ji, jo hamare kulig hain Vidhan Sabha mein and very senior leader, hamare beech प्रोफेसर राजेंद्र सिंह चौहान जो हम मिले थे, मुझे शायद अभी नहीं आ सके, तो आजकल हमारे एक्टिंग वाइस चांसलर कर रहे हैं, प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, प्रोफेसर वी एस नेगी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर शाहनी जी और लॉ स्पीति स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट के शाम योदान, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अनिल सूर्यवंश, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर नवीन पॉल और सभी छात्र छात्राएं जो यहाँ पर मौजूद हैं इस हॉल में। सबसे पहले तो मैं आपको इस ऐसे सुंदर और रंगारंग कार्यक्रम जो आपने प्रस्तुत किया और इस ठंडे 2017 के अवसर पर आप लोगों को अपनी ओर से बहुत और राजा वीर भद्र सिंह की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान करें कि आप सब यहाँ पे सुख और शांति से रहें, अच्छे स्वास्थ्य में रहें और जो ये आप लोगों का विद्यार्थी जीवन है, छात्र जीवन है, इसमें आप एक अच्छे नागरिक बनकर जीवन में बड़ी बड़ी बुलंदियाँ छुएं, ऐसी मेरी मनोकामना है। जब मैं आपका ये नृत्य देख रहा था तो मैं जब ले और लद्दाख डूबरावेली में पहुंचते था तो उस दिन याद आए, क्योंकि लगभग इसी प्रकार के नृत्य वहाँ हुआ करते थे उस इलाके में और कुछ लैंग्वेज भी थोड़ी मेल खाती है और डांस के स्टेप भी ऐसे ही नज़र आ रहे थे। रियली एंजॉय। सेकेंडली, जब मैं लाहौल स्पीति गया था आप लोगों के इलाके के दर्शन किए तो बहुत अच्छा लगा कि वहाँ का जो कल्चर है आप लोगों ने अभी तक संजोए रखा है, आपका जो संस्कृति है, खासकर जो बच्चों के मैं समझता हूँ उनके संस्कार और उनका जो तरीका तौर तरीके रहने का, वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि उनके अंदर अपने बड़ों के लिए सम्मान है और अपनी जो हमारी धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक जो इतनी बड़ी विरासत हमारे पास है, उसको हमेशा उन्होंने, ऐसा मुझे लगा कि अभी तक आगे तक वो चला रहे हैं और आज भी मैं इसको देख रहा था। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। आई फील दैट ईच वन ऑफ अस हैज ए लाइफ अहेड एंड पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द गोल्डन डेज ऑफ योर लाइफ। उसके बाद कभी दोबारा ये दिन नहीं आते, जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं। मैं रवि जी जैसे MLA बन जाते हैं तो विधायक को तो 10 किस्म के ताने सुनने पड़ते हैं भैया, तो 10 किस्म की जिम्मेवारी आ जाती है। फिर आप लोग पेरेंट्स बन जाते हैं और किस प्रकार न जाने कोई इंजीनियर बन जाते हैं, कोई डॉक्टर बन जाते हैं, तो जीवन में ये समय दोबारा कभी नहीं आता। मैं तो ये समझता हूँ कि कभी भी स्टूडेंट बनने का मौका मिले तो गंवाना नहीं चाहिए जीवन में। मुझे तो कई बार, हम तो अभी भी स्टूडेंट ही हैं, परंतु मुझे अपने कुछ एक हायर स्टडी करने का इसी यूनिवर्सिटी में समय मिला एंड आई रियली एंजॉयड इट। क्यों कि एक जितनी बार भी आप स्टूडेंट बन जाओ, कम से कम आप कुछ ही यादों को ताज़ा कर सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड हैव लव टू बी विद यू ऑल एंड वुड हैव इवन डांस विद यू ऑल, बट बिकॉज आई हैव टू गो एंड मेरे स्कूल में जिसमें मैं पढ़ा हूँ यहीं से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अबाउट 30-35 किलोमीटर अवे, स्लाइटली अहेड ऑफ दिस एयरपोर्ट
एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसमें जब मैं 54-55 में पढ़ता था तो उसके अब 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 22 जून को, उसकी एक और लोगों की मीटिंग है जो हमारे पुराने छात्र हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑल वेटिंग सम ऑफ देम देयर, एंड टुडे इज ए कोऑर्डिनेशन मीटिंग डे. दैट इज व्हाई व्हेन आई टोल्ड फादर लाहौल ही हैड सो मेनी कमिटमेंट, बट व्हेन ही सेड कि देयर इज ए गुड प्रोग्राम ऑफ लाहौल स्पीति पीपल, आई सेड आई डेफिनेटली गो एंड आई आस्क्ड माय पीपल टू वेट ऑन. सो आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग दैट when you are a student here and when you are also linking that hill portion, main samajhta hu ye bahut badi baat hai kyunki wahan ke vichar yahan ke logon mein, wahan ki sanskriti wahan yahan ke logon mein bhi pata lage. maine dekha ke bachcho ne agar mata pita nahi hote to bhagwan shiv aur parvati ke photograph lagate the. maine saw them dancing last time main apne program dekhne gaya tha aur kuch vibhag ki gativithiyan dekhne gaya tha. in fact रवि जी को उनके बच्चे यहाँ पे जहाँ हमारे भी ग्रैंड चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं इनको बड़ा प्रोग्राम सडनली आ गया, नहीं तो ही वॉज ऑल्सो विद मी ऑनली एंड अरेंज एवरी थिंग सो ब्यूटिफुली दैट आई रियली एंजॉयड एवरी बिट ऑफ माई विजिट टू लाहौल स्पीति. ट्राई एंड कीप दैट लिंक इन योर माइंड क्योंकि वहाँ की जो चीज़ें हैं मुझे बड़ी अच्छी लगी और यहाँ के बच्चों में भी यह संस्कार आए, हम नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, माता पिता का सम्मान करें, अपने भाई बहनों का गाँव का उत्थान करें और अपनी ये स्थिति यहाँ से लेकर जाएं. वेन यू गो आफ्टर यू योर स्टूडेंट लाइफ देन यू बिकम रियली अ वेरी गुड सिटीजन. दैट इज ऑल विद माई प्रेयर एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ राजा वीर सिंह की मुझे डिजायर कि दिस इज सच ए गुड प्रोग्राम दे आर गिविंग ऑन बिहाफ ऑफ हिम एंड रादर ऑन हिज बिहाफ आई अनाउंस ए ग्रांट ऑफ 50,000 टू दिस वंडरफुल आई विश यू ऑल very enjoyable evening. I hope I wish I could also be with you and with Ravi ji to enjoy this evening, but sometimes there is always a second chance in life, so we wait for that chance. All the best. Jai Hind, Jai Himachal. मंत्री महोदय को एक और कष्ट देना चाहेंगे. हमारे छात्र संगठन द्वारा प्रतिवर्ष एक स्मारिका का भी प्रकाशन किया जाता रहा है. इसी कड़ी में चूंकि अभी तो प्रकाशन का कार्य बहुत विलंबित रूप से जारी है, प्रगति पर है, परंतु हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा उस स्मारिका का आवरण पृष्ठ विमोचित करना चाहते हैं. मेरा निवेदन रहेगा यहाँ पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक लाहौल स्पीति श्री रवि ठाकुर जी से. दो